डॉक्टर आइए मिस्टर सिंह, आप बैठिए प्लीज। जिसका नसीब आंधे मुंह पड़ा हो डॉक्टर, उसे बैठने की फुर्सत नहीं है। बहरहाल आप फरमाइए कि मुझे क्यों याद किया है आपने। मिस्टर सिंह, पोस्टमार्टम हो गया है, रिपोर्ट आने में थोड़ा वक्त लगेगा। पुलिस वालों ने इजाजत दे दी है कि डॉक्टर रोहन मल्होत्रा का अंतिम संस्कार किया जा सकता है। अब आप बॉडी ले जा सकते हैं। उसने मेरी मासूम सी पोती के माथे पर खून का इल्जाम लगा दिया और आप चाहते हैं कि हम उसका अंतिम संस्कार करें? अरे रोहन मल्होत्रा के संस्कारों का क्या कहोगे डॉक्टर, जिसने हमारी जिंदगी को जड़ से उखाड़ कर फेंक दिया और हम बेवकूफों की तरह उसका अंतिम संस्कार करते फिरे, क्रियाकर्म करें उसका। लेकिन मिस्टर सिंह, अगर आप बॉडी क्लेम नहीं करें तो... डॉक्टर, ये 2,500 पाउंड है, किसी ऐसे शख्स की तलाश कीजिए जो अभी तक रिश्तों से उबा ना हो, उसे बुलवाकर रोहन मल्होत्रा का अंतिम संस्कार करवा दीजिए। मैं समझूंगा मैंने इन पैसों से किसी अनाथ को अपना बनाने का हर्जाना भर दिया। बदनसीबी जब जिंदगी में घुसती है तो कैसे कैसे मासूम चेहरे लगा कर आती है। जब तक देवर तम्मी को अपना जहां नहीं मिल जाता, जब तक हमारा प्यार सारी मजबूरियों से भी असर नहीं होता पम्मी, इस बार मैंने ठान लिया है मैं अपनी पम्मी से किसी भी सूरत में जुदा नहीं होने वाला। इस बार मेरे बहुत पास रहना थे, बहुत पास रहना था। चलकर सबको हकीकत बता दो रोहन कि तुमने देव को राज बनाया था। नहीं, मैं अपना गुनाह बाबूजी और माँ के सामने कबूल नहीं कर सकता। सच्चाई बताकर तुम्हें तो खो चुका हूँ, पर उनसे नजर मिलाने से पहले तो अच्छा होगा कि रोहन नहीं, तुम क्या रोहन क्या कर रहे हो? क्या हुआ? रोहन का बयान गलत नहीं था, उसका वाकई खून हुआ था। उस रात 2 गोलियां चली थी। इससे पहले कि रोहन अपनी रिवॉल्वर का ट्रिगर दबाता, एक और गोली चली थी। रोहन के अलावा किसी और ने भी गोली चलाई थी उस रात। क्या मम्मी, हमें इन तमाम हादसों को पीछे छोड़ देना है। और हाँ, रोहन के खून का इल्जाम जो तुम्हारे सर पर लगा है, अब उसे मिटाना है, पर बिना किसी के सामने आए। लेकिन वो अब कैसे हो पाएगा?
एक रास्ता है। यहां क्यों आए आप लोग? अगर यह समझकर आए हो कि मैं तुम दोनों की मदद करूंगा, हमदर्दी जताऊंगा तुम दोनों से, तो यह गलत है। अभी पुलिस को फोन करके तुम दोनों को गिरफ्तार करवा सकता हूं मैं। वर्मा साहब, आप ऐसा कुछ नहीं करेंगे। क्यों? मुझे बिना बताए तुम दोनों फरार हो सकते हो। बिना मेरी सलाह लिए अपने दिमाग का इस्तेमाल कर सकते हो, तो मैं अपनी मनमर्जी से कुछ नहीं करूंगा। लीजिए, अगर आपका मन कहता है हमें पुलिस पे गिरफ्तार करवाने के लिए, तो कीजिए फोन पुलिस को। मान लीजिए मैं फरार नहीं होती, तो क्या आपको ये भरोसा था कि कानून मेरे साथ इंसाफ करता? और पम्मी को मीडिया और पुलिस दोनों ने मुजरिम साबित कर दिया था। एक भी वकील केस लड़ने तक को राजी नहीं था। ऐसी सूरत में आपको लगता है कि पम्मी बेगुनाह साबित हो पाती? और अगर अभी आपको लगता है ना कि कानून में मेरी बेगुनाही साबित हो जाएगी, तो कीजिए मुझे गिरफ्तार, सौंप दीजिए पुलिस को। मैं चलने को तैयार हूँ आपके साथ, अभी चलिए, कीजिए मुझे गिरफ्तार। मैं एक सस्पेंडेड पुलिस ऑफिसर हूँ, किस हैसियत से तुम दोनों को गिरफ्तार करूंगा? सच तो यह है कि मुझे अपने यकीन पर भी यकीन नहीं है, और ना मेरे पास कोई दलील है जिससे मैं पम्मी जी को बेगुनाह साबित कर सकूं, जिससे साबित हो जाए कि रोहन ने जो जो स्टेटमेंट दिए थे, जो जो बयान दिए थे, वो गलत थे, झूठे थे। रोहन ने झूठ नहीं कहा था। हाँ मिस्टर बत्ता, उस रात वाकई किसी ने रोहन की जान लेने की कोशिश की थी, क्योंकि उस रात दो गोलियां चली थी, एक रोहन के रिवॉल्वर से और दूसरे किसी और के रिवॉल्वर से। याद करने पर मुझे याद आया कि उस रात मैंने दो गोलियों की आवाज सुनी थी। इसका मतलब है हम पम्मी जी को बेगुनाह साबित कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए हमें यह साबित करना होगा कि वो दूसरी गोली किसने चलाई। बहरहाल मैं इस थियरी पर इन्वेस्टिगेट करता हूं, लेकिन तब तक तुम दोनों फरार रहना, समझे? मुझे भी लग रहा है तुम दोनों ने जो कुछ किया सही किया। जॉन, जॉन। जी भाभी। आज का पेपर पढ़ा तुमने? चीफ को ऐसे नहीं करना चाहिए था भाभी। तुम्हारे चीफ ऐसा नहीं करेंगे, उन्हें ऐसा करने नहीं दिया जाएगा। लेकिन इस वक्त तुम्हें क्या करना है तुम्हें पता है ना? आप हुक्म दीजिए भाभी। जाओ, जाकर पम्मी को खत्म करो और रोहित को मेरे पास लेकर आओ। पम्मी को खत्म करना तो फिर भी आसान है भाभी, लेकिन चीफ को पकड़ कर लेकर आना मेरे लिए मुश्किल हो जाएगा। मैंने एक आपका होश में लेकर आऊ, बस ध्यान रहे, सांसें चल रही हूं। जी भाभी। हेलो मम्मी जी। मम्मी, बच्चे कैसी है तू? आप मुझसे नाराज तो नहीं है ना मम्मी जी? अगर तू जहां भी है वहां सुखी है तो मैं बिल्कुल नाराज नहीं हूं। तू खुश रहे, इससे ज्यादा मुझे और क्या चाहिए बेटा? मैं अपने देव के साथ हूं मम्मी जी, और मेरा हर सुख इस देव के साथ ही है। मम्मी जी, मैंने आपको ये बताने के लिए फोन किया है कि रोहन ने झूठा बयान नहीं दिया था, आपके उस बेटे ने सच बोला था मम्मी जी। तू मेरा दिल रखने के लिए झूठ तो नहीं बोल रही ना? नहीं मम्मी जी, बाकी सब गलत और आपका यकीन सही था। रोहन का वाकई खून हुआ था मम्मी जी, उस दो गोलियां चली थी। दो गोलियां चली थी मतलब? मतलब ये तेजी, पम्मी के पाप में पम्मी का साथ दे रही है। पम्मी, पम्मी, पुत्र तू जहां कहीं भी है घर आ जा, देख तू ठीक नहीं कर रही। अपने दिल की सुन रही हूँ बाबूजी।
सबके मुताबिक चली तो सुख कहाँ हाथ लग पाया है। और पुत्र, ये रास्ते तुझे जिन दुखों की तरफ ले जा रहे हैं उसका तुझे अंदाजा नहीं है। आ जा मेरे पुत्र, घर आ जा। ऑफिसर, पम्मी का फोन है, बात करो। बाऊजी, क्या कर रहे हैं आप? क्या कर रही थी जीतू? पम्मी, पम्मी फोन बंद कर दे बेटा, बंद कर। पम्मी, I'm sorry, Bauji. क्या हुआ? कभी सोचा भी नहीं था देव कि मेरी और रोहन की दोस्ती का ये हश्र हो जाएगा। उस रात के बाद जिंदगी इस रफ्तार से भागी है कि रोहन की मौत का दर्द मुझ तक पहुंच ही नहीं पाया। यकीन ही नहीं होता देव कि रोहन अब नहीं रहा। मैंने तुम्हें बताया नहीं, तुमसे छिपकर मैंने हॉस्पिटल फोन किया था। बाऊजी ने रोहन का अंतिम संस्कार करने से इनकार कर दिया। पता नहीं बाऊजी जो कर रहे हैं गलत कर रहे हैं या सही कर रहे हैं। मुझे तो ये तक नहीं पता कि मुझे रोहन का दुख होना चाहिए, उस पर तरस आना चाहिए या उससे नफरत होनी चाहिए। माना कि उसने अपने सारे गुनाह कबूल किया पर उसने मुझे अपना फैसला सुनाने का मौका नहीं दिया। अगर मौका देता ना तो मैं उसे सजा देती, बेशक सजा देती उसे मैं। जानती हो ऐसे हालात में तुम्हें क्या करना चाहिए? क्या? आओ बताता हूँ। इसी बॉडी को क्लेम करने के लिए आए थे ना आप लोग? यही है रोहन मल्होत्रा की बॉडी। आपको कोई सगे वाला था? हम तो सगे ही थे, तू ही थोड़ा पराया था। मतलब? अब वो पराया ही तो था जो इतनी जल्दी हम सबको छोड़ के चला गया। इस लाश को हम अभी लेकर जाएंगे। आपको सुबह आना पड़ेगा, मैं आपको ऐसे हैंडओवर नहीं कर सकता। ऐसे नहीं तो ऐसे हैंडओवर कर दो। ऐसे भी नहीं तो फिर ऐसे हैंडओवर कर दो। दोनों चीजों का इस्तेमाल कर लेते ना साहब, इसके लिए हैंडओवर कर दूंगा और बोल दूंगा कि इसकी वजह से हैंडओवर करना पड़ा। हेलो मिस्टर सिंह, क्या कल रात कोई आपके यहाँ से आकर डॉक्टर रोहन मल्होत्रा की लाश ले गया? हमारे यहाँ से लाश लेने कोई क्यों आएगा? क्या? लेकिन कल रात कोई हमारे हॉस्पिटल के मॉक से डॉक्टर रोहन मल्होत्रा की लाश ले गया। क्या? कब की बात है? किसने किया होगा? मुझे लगता है उन दोनों का ही काम है, वही लेके गए होंगे रोहन मल्होत्रा की लाश को उसका अंतिम संस्कार करने के लिए।
ये कार तो अपनी चीफ की है। अपने चीफ यहीं कहीं आसपास होंगे अपनी लैला के साथ। आओ मेरे साथ। कोई अपना जब जुल्म करता है तो उसकी सबसे बड़ी सजा होती है माफी। तुम रोहन को माफ कर दो पम्मी। रोहन, तुम्हारी सबसे बड़ी सजा जब पम्मी ने तुम्हें माफ किया। माफ किया मैंने तुम्हें रोहन। अंतिम संस्कार की आग में से धुआं उठेगा और जब वो धुआं उठेगा तो काफी दूर से नजर आएगा। कम ऑन, उधर है मुंह। पुलिस भागो। नहीं बच पाएगा आपका रोहित शर्मा और आपकी आजादी भी खत्म। रोहन मल्होत्रा के कत्ल के इल्जाम में मैं आपको गिरफ्तार करता हूं। स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आपका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन।